एफएलएन की केआरपी सुनीता ढुल ने बताया कि खंड गोहाना में चल रहे प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन रहा, जिसमें केआरपी सुनीता ढुल, दिनेश कुमार, मंजू किरण ने सभी शिक्षकों को एफएलएन तथा अपने अपने विषय की संपूर्ण जानकारी दी। केआरपी सुनीता ढुल ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि शिक्षकों का प्रशिक्षण बहुत अच्छे ढंग से हुआ, जिसमें सभी शिक्षकों ने पूरी रुचि दिखाई। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण विद्यार्थियों के आधार को मजबूत करने के लिए था, क्योंकि अगर नींव मजबूत है तो इमारत भी मजबूत बनेगी। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बीआरपी कीर्ति, कांता, एबीआरसी कवरपाल शिवानी तथा असिस्टेंट मैनेजर वेद और विपिन, मुकेश बजाज व आशीष नरवाल ने पूरे प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से वहन किया। विदित रहे कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एफएलएन का प्रशिक्षण अभी तक खंड सोनीपत के 412 खंड, गन्नौर के 310 खंड, राई के 306 व खंड गोहाना के 235 प्राथमिक शिक्षकों सहित के कुल 1263 प्राथमिक शिक्षकों को यह प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि खंड मुरलाना व कथुरा में यह प्रशिक्षण दिनांक 24 मार्च से प्रारंभ होगा। मेरा नाम सुनीता, मैं केआरपी हूं और हम यहाँ पे 6 के बैच में, 6-6 के में दो ग्रुप चले हुए केआरपीज के अलग अलग ब्लॉक में, और ये हमारा गोहाना ब्लॉक का प्रोग्राम था जिसमें 40-40 के दो बैच एक ग्रुप में बनाए गए थे, मतलब 80। और ये एफएलएन जो निपुण भारत का मिशन है, राष्ट्रीय मिशन, उसी में निपुण हरियाणा मिशन है, उसके तहत एफएलएन प्रोग्राम है जिसको NEP 2020 में केंद्रीय स्थान दिया गया है, उसका एक राष्ट्रीय मिशन है और राज्य स्तर पर इस मिशन का नाम है निपुण हरियाणा। उसके तहत ये एफएलएन की ट्रेनिंग है जिसमें हमारे सभी नींव को स्ट्रॉन्ग करने वाले फाउंडेशनल टीचर 1 से 5वीं तक के टीचर्स हैं जो ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, और 40-40 के दो दो बैच 80 टीचर्स 3 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें हमारा सेशन रहता है पहले एफएलएन क्या है उसकी इंट्रोडक्शन, कि एफएलएन क्या, क्यों और कैसे जरूरी था, मिशन क्या है, क्यों है। उसके बाद हमारा आता है विद्या प्रवेश, कि बच्चा स्कूल आता है तो उससे 3 महीने पहले वो क्या करता है, कैसे उसको जोड़ते हैं। देन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास के लिए 3 साल का प्रोग्राम है जो हरियाणा में 2025 तक पूरा होना है, जबकि राष्ट्र में 26 तक पूरा होना है। तो मैम देखो, मिशन का उद्देश्य मुख्य यही है कि नींव को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे भवन की अगर नींव स्ट्रॉन्ग होती है तो भवन धराशायी नहीं होता। जो हमारे फाउंडेशनल स्टेज है फर्स्ट टू थर्ड, वो इन हितधारकों कर्णधारकों के हाथ में है, ये देश के भावी निर्माता हैं। अगर ये नींव को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो आगे कितना ही बढ़िया भवन बना लो, ऐसी हमारी सोच है और उसी के तहत हम मिशन में काम कर रहे हैं। जितने साथी आगे बैठे हैं और जो भी बैचेज आ रहे हैं, दे आर टेकिंग वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस ट्रेनिंग एंड वी होप दैट रियली दे विल ब्रिंग द चेंज। तो थर्ड स्टेज आएगी मैम, अभी ये सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज अभी तो हम टीचर्स को प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि ये रियल हितधारक हैं और यही हमारे स्टेक होल्डर है। टीचर्स बच्चों के साथ जाएंगे, इन पे इन्होंने ही काम करना है। तो उसके बाद मॉनिटरिंग और मेंटोरिंग रहेगी, जिसमें हम भी इनके साथ जाएंगे और फील्ड में हम काम करेंगे मिलके। जगत महान न्यूज के लिए सारिका नरवाल की रिपोर्ट।